हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो स्किन के ऊपर आप अभी अभी एनटीए की तरफ से रिलीज हुए नोटिस को देख रहे हो, और ये नोटिस उन्होंने डाला है अपने बचाव के लिए। और उन्होंने जो चार मेंबर्स कमेटी बनाई थी, उसमें आपने स्क्रीन के ऊपर आप देख लो अच्छी तरीके से, इसको पढ़ भी लो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो एनटीए ने अपनी सफाई के अंदर काफ़ी देर से, यानी कि काफ़ी दिनों से नोटिस नोटिस अपन खेल रहे हैं कि इधर से अपन क्वेश्चन रेज करते हैं, उधर से वो अपना नोटिस डालकर अपने हाथ धो लेते हैं। तो बात करें, उन्होंने इसमें बोला है कि संस्कार को एजुकेशनल स्कूल B4, सेक्टर B4 है, बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद, ये एक सेंटर है। इसके बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा है कि ये एक सेंटर है जहाँ पर कि 5 मई को ईट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, और यहाँ पर एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट को कोई दूसरे मीडियम का पेपर दूसरे मीडियम के स्टूडेंट को दे दिया। इन द सेंस, कहने का मतलब है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को हिंदी मीडियम का पेपर मिल गया, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम का पेपर यहाँ पर दे दिया गया। और यहाँ पर लॉजिक क्या बताया है, लॉजिक बताया है इन एडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में, यानी कि अनजाने में इन्होंने ऐसे वहाँ पर बच्चे बिठाए हुए थे जिनको ये भी नहीं पता कि पेपर इंग्लिश मीडियम का है या फिर हिंदी मीडियम का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसमें भी वो नोटिस के अंदर ये सारी चीज़ें नोट करके रखते हैं। तो एक नई चीज़ सामने आई है जहाँ पर वो मना कर रहे थे, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको जो नोटिस दिखाया था एक बार पहले भी, जब नीट 5 मई को नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तब उन्होंने बोला था कि हमसे मिस्टेक हुई है, लेकिन सिर्फ एक राजस्थान का एक सेंटर है सवाई माधोपुर का, ओनली वहां पर 120 स्टूडेंट अफेक्टेड हैं उसके बारे में। फिर उन्होंने बताया जब उन्होंने प्रेस रिलीज की थी, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना किया था 8 जून को, आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया, तब उसमें उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर 1600 स्टूडेंट ओनली, यानी कि टू बी एग्जैक्ट 1563 स्टूडेंट अफेक्टेड हैं, उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए। तो वहां से बचते हुए दो बातें उन्होंने झूठ बोली। सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा था कि हमने एग्जाम एकदम ट्रांसपेरेंसी से करवाई है, लेकिन उस ट्रांसपेरेंसी में एक लूप होल निकला सवाई माधोपुर राजस्थान वाला, कि वहां से उनसे मिस्टेक हुई, ठीक है, इसको भी हम ट्रांसपेरेंसी मान लेते हैं। दूसरी बात आती है जब उन्होंने कहा कि 1563 स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हुआ था, इफेक्टेड थे कोई ना कोई सेंटर्स, तो 1563 स्टूडेंट को कहीं ना कहीं दिक्कत तो हुई, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम वहाँ पे हुई है, इसी वजह से वो चीज़ें हुई या फिर डिले हुआ आपसे। चलो, ये भी आपका आपके लिए ट्रांसपेरेंसी था। अब एक नया सेंटर आ गया है कि संस्कार को एजुकेशनल स्कूल सेक्टर बी फोर बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद, की नोटिस आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोला है कि इन एडवर्टेंटली तरीके से हमसे वहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, और कुछ टाइम की वजह से, यानी कि हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया, लेकिन हमने थोड़े सी टाइम के अंदर में वहाँ पर मामला सही कर लिया, यानी कि सही बच्चों को उन्हीं के मीडियम का पेपर दे दिया, और हमने पूरा उन बच्चों को 3 घंटे और 20 मिनट का टाइम देकर एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट करवा लिया। तो चलो, जब ये सब करवा लिया तो फिर नोटिस में ये बताने की जरूरत क्या थी कि हमने वहाँ पर एग्जाम सही तरीके से करवा लिया, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। आप हमें जरूर कमेंट करके बताओ कि क्या दिक्कत हो सकती है, या फिर हर एक वीडियो के बाद में, यानी कि हर दिन, हर एक से दूसरे दिन के बाद में नई चीज़ें सामने आ रही हैं, कभी तो कोई सा सेंटर, तो कभी कोई सा सेंटर, तो कभी कितने बच्चे, कभी कितने बच्चे, क्या होगा, क्या रीनीट होना चाहिए या फिर रिजल्ट का इवेल्युएशन होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताओ। और आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, जो भी वीडियो आए प्लीज़ इनको शेयर करते रहो, ताकि आपकी फेवर में बातें हो सके, हम आपकी हेल्प कर पाए। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना। फेसबुक के ऊपर भी ये वीडियो अवेलेबल होगी, तो अगर फेसबुक पे आप देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो, और यहाँ पर भी आप जरूर से फॉलो करो, अगर वीडियो देखते हो तो लाइक और फॉलो जरूर करो। स्टार्ट करेंगे, यानी कि कंटिन्यू वीडियो मैं आपके लिए डालता रहूँगा, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।